हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं श्वेता टेक। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं नोटबुक मेकिंग बिजनेस के बारे में। नोटबुक की डिमांड हमेशा बनी रहती है क्योंकि ये हर घर में यूज होता है और इसे स्कूल चाइल्ड से लेकर कॉलेज में पढ़ने वाले लोग भी यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे नोटबुक मेकिंग बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक, जैसे इस बिजनेस के लिए हमें कितना स्पेस चाहिए, इसके लिए कौन सी मशीन की जरूरत पड़ती है, इसके लिए कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, इसके लिए मशीन कहाँ से खरीदेंगे तथा इसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, इसके लिए कौन से लाइसेंस की जरूरत होगी, प्रोडक्ट बनाने के बाद इसे कहाँ बेचें, मतलब इसकी मार्केटिंग कहां करेंगे, और सबसे बड़ी बात, इस बिजनेस को करने से कितना मुनाफा होगा, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लोन कहां से मिल सकता है एवं कितनी सब्सिडी मिलती है, इन सब टॉपिक पर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें मार्केट सर्वे करना चाहिए। सर्वे में हम प्रोडक्ट की डिमांड, मार्केट, प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी एवं प्राइस पर ध्यान देना होता है। मसलन जैसे हम नोटबुक मेकिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो हमें ये देखना है कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसे कहाँ बेचेंगे, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगा एवं मार्केट में हम कितने में बेच सकते हैं, हम कितना इन्वेस्टमेंट कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरर से मिलें, होलसेलर से मिलें, रिटेलर से मिलें, नोटबुक की क्वालिटी, नोटबुक कवर की क्वालिटी देखें, मार्केट में किसकी कितनी डिमांड ज़्यादा है, कुछ होमवर्क करें जैसे आप कहाँ से शुरू करेंगे, वहाँ से मार्केट की दूरी कितनी है, आप मार्केट तक नोटबुक ले जाने के लिए कौन सी व्हीकल यूज करेंगे, मार्केट में कितने होलसेलर से बात करनी है, कितने रिटेलर से बात करनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेंगे, कितने रेट में मिलेंगे और नोटबुक बनाने के बाद प्रोडक्ट कॉस्ट कितना होगा और उसमें मुनाफा कितना होगा। अगर आप मार्केट सर्वे और होमवर्क आपने कर लिया तो बहुत सारी समस्याएं जिससे आप बिजनेस शुरू करने से पहले डरते हैं वो आसान हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए हमें कितने स्पेस की जरूरत होती है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा करके स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कम से कम दो मशीन लगाकर, पहला स्टिचिंग मशीन और दूसरा कटर मशीन लेकर के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम 30 गज जगह की जरूरत होगी। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा। इस बिजनेस को हम तीन तरह से शुरू कर सकते हैं। पहला, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप मैन्युफैक्चरर से लेकर के रिटेलर को दे सकते हैं नोटबुक। इसके लिए आप 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 20-25% का मार्जिन मिलेगा। दूसरा, अगर आप शॉप टू शॉप नहीं घूमना चाहते हैं तो आप होलसेलिंग कर सकते हैं। जो होलसेलर हैं आप उनको नोटबुक दे सकते हैं। इसमें आप कम से कम 2,00,000 रुपये लगाकर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और आपको 10-15% का मार्जिन मिलेगा। तीसरा, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा करके आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दो मशीन, पहला स्टिचिंग मशीन और कटर मशीन को लेकर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 2-2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा जिसमें रॉ मटेरियल्स भी शामिल है। इसमें आपको 15-20% का मुनाफा मिलेगा। अब हम बात करते हैं मशीन एवं रॉ मटेरियल्स की। इस बिजनेस में चार तरह की मशीनें यूज होती है, पहला स्टिचिंग मशीन, दूसरा कटर मशीन, तीसरा स्क्वायरिंग मशीन और चौथा पैकेजिंग मशीन। स्टिचिंग मशीन में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों होता है, पर अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दो मशीन लेकर के आप अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें रॉ मटेरियल्स जो यूज होता है वो होता है रोल पेपर और नोटबुक कवर, एवं अगर आप गत्ते वाली बनाना चाहते हैं तो उसके लिए गत्ता यूज होता है। इस बिजनेस में जितनी भी मशीनें एवं रॉ मटेरियल्स यूज होती है ये कंपनी सारी चीज़ें अवेलेबल कराती है तथा मशीन चलाने की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से कॉल कर सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप बड़े लेवल पर इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सारे मशीनें एवं रॉ मटेरियल्स को लेकर के कम 6-6.5 लाख में मशीन और 2-3 लाख का रॉ मटेरियल लेकर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अर्बन एरिया में इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी किसी शहर में, किसी सिटी में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको चारों मशीन लेकर के ये काम शुरू करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी मेंटेन करना होता है। इसलिए इन चारों मशीन को लेकर के आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी सलाह माने तो आप दो मशीन से अपना बिजनेस स्टार्ट करें एवं आपका बिजनेस अगर चलने लगे तो उस हिसाब से आप अपनी मशीनों को बढ़ा करके आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आती है लाइसेंस की बात कि इस बिजनेस के लिए कौन कौन सा लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप अपना ब्रांड बनाकर बेचना चाहते हैं तो ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
आप बिना ब्रांड के भी नोटबुक को मार्केट में बेच सकते हैं। इसके लिए आप उद्योग आधार में अपने कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं। आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बिना कंपनी रजिस्ट्रेशन कराए भी इस काम को शुरू कर सकते हैं। बाकी बात रही जीएसटी की, जीएसटी की जरूरत तब पड़ती है जब आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चला जाता है, उसके नीचे जीएसटी में रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप बिना जीएसटी के भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं कि इसकी मार्केटिंग, जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसकी मार्केटिंग कहाँ करेंगे। तो मार्केटिंग करने के लिए अगर आप होलसेलिंग करते हैं तो होलसेलर से कॉन्टेक्ट करना होगा, और अगर आप रिटेलिंग करना चाहते हैं तो आपको बुक सेलर से कॉन्टेक्ट करना होगा, स्टेशनरी स्टोर से कॉन्टेक्ट करना होगा, जनरल स्टोर से कॉन्टेक्ट करना होगा, किराना स्टोर से कॉन्टेक्ट करना होगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा करके अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको होलसेलर से कॉन्टेक्ट करना होगा। अगर आप ज़्यादा ऑर्डर चाहते हैं इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया एवं जस्ट स्टाइल में संपर्क कर सकते हैं, और इन सबको करने के बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप एक अपना मार्केटिंग स्टाफ रख सकते हैं जो मार्केट को देखेगा, और कम से कम 2 लेबर की जरूरत पड़ेगी जो नोटबुक बनाने में मशीनों को हैंडल करते हैं। चूंकि नोटबुक की डिमांड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा होती है, इसे आप रूरल एरियाज पे स्टार्ट करें या अर्बन एरियाज पे स्टार्ट करें, सारी जगह पे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ तक लोन और सब्सिडी की बात है, आप सरकार की एक वेबसाइट PMEGP गूगल में टाइप करें, उस साइट खुल जाएगी, वहाँ पे आप इस बिजनेस से रिलेटेड लोन के बारे में देख सकते हैं कि इसमें कितना लोन मिल सकता है, कितनी सब्सिडी मिलती है। और बिजनेस लोन के लिए आप अपने नज़दीक के बैंक में जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि हमें लोन की ज़रूरत है तो हमें इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराएं, उसके बाद आपको बैंक से बिजनेस लोन मिल सकता है। तो अभी आपने देखा कि ये बिजनेस करना कितना आसान है, इसमें ज़्यादा ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है, एक दिन के ट्रेनिंग इसके लिए काफ़ी हो सकता है। तो अभी हमने आपको दिखाया कि इसमें कितनी मशीनें यूज होती हैं और ये कैसे कैसे काम करती है। इस बिजनेस को करना बहुत ही आसान है, आप कहीं पे भी इस काम को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए 3 बंदे की जरूरत होगी, एक मार्केटिंग स्टाफ रख सकते हो, 2 लेबर रख के आप अपना काम शुरू कर सकते हैं और इसमें अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो
तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडियाज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।